हेलो हेलो चांदनी, कैसी हो? इस वक्त ये सवाल तुम नहीं करो तो अच्छा है सिद्धांत। तुम्हारी हालत का अंदाजा है मुझे चांदनी, इसलिए तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है मुझे। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है सिद्धांत। ये बिना वजह की जिल्लत सहकर थक गई हूँ मैं। I'm really tired of this। मैं जानता हूँ चांदनी, तुम्हारी जिंदगी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, और अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ वहां नहीं हूँ। मुझे रोको मत चांदनी, मैं वहां तुम्हारे पास तुमसे मिलना आना चाहता हूँ। अभी नहीं सिद्धांत, जब मैं मुनासिब समझूंगी मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी। हाँ, जैसा तुम बेहतर समझो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ चांदनी। मैं जानती हूँ सिद्धांत, बाय बाय। अरे बता ना। वो मैं नहीं बुला सकती, वो शहर के बाहर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, जब वो आ जाए तब बता देना। मैं तेरे और वरुण के बारे में भैया से बात करूंगी। कंचन, वरुण कहाँ गया है? वरुण मुंबई गया हुआ है। मुंबई? अरे क्या हो गया? वरुण के मुंबई जाने की खबर से आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे नहीं तो मैं कहाँ परेशान हो रही हूँ। क्या हुआ, इसे क्या परेशानी है? You know Vikram? No, I don't know Diya. Oh, you don't know? Vikram? Vikram, you are very handsome. Handsome? मैं? तुम भी बहुत खूबसूरत हो। Very pretty, Zinta. Pretty. हमारे सीमेंट का मेन सप्लायर कौन है? Nathan Company. दिया, तुम जब से यहाँ आई हो ना मुझे कंपनी मिल गई है, वरना मैं बहुत बोर हो रहा था। हाँ विक्रम, जब से तुम यहाँ आओ ना मैं भी बहुत बोर होती हूँ। ब्रिक्स कहाँ से आते हैं विक्रम? है ब्रिक्स नागार्जुन ट्रेडर्स से। दिया, तुम रात को यहाँ मुझसे मिलने आओगी ना? रात को? हाँ, वो तुम काम के सिस्टम के बारे में समझना चाहती थी ना, तो रात को हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं सिस्टम। मार्बल कहाँ से परचेस करते हैं हम विक्रम? हैं? हाँ, जयपुर मार्बल हाउस। तुम रात को आओगी ना? हाँ, अब काम के सिस्टम के बारे में समझना है तो आना ही पड़ेगा। क्यों? हेलो भैया पानी। आदित्य, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। दीदा, अगर आप पूजा के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं तो इस विषय में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। अरे नहीं नहीं, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। उसका तो नाम सुनते वैसे मेरे दिमाग में हथौड़े बजने लगते हैं। उसका तो नाम भी मत लेना। मैं तो वरुण के बारे में कह रही थी। वरुण के बारे में क्या बात? ऐसे ही एक नेक ख्याल आया है मेरे दिल में। देखो भैया, वरुण और कंचन की जोड़ी कैसी रहेगी? अब देखो ना, कंचन की शादी तो हमें करनी है जल्द से जल्द। भाई मुझे तो वो दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ये ख्याल आपको कैसे आ जाता? दोनों की दोस्ती देखकर। दोनों इतने करीब आ गए हैं। और एक बात बताऊं, कंचन को वरुण बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके दिल की बात भांप ली है। वरुण भाग गया है उसे। आप बताओ, आपका क्या ख्याल है इस जोड़ी के बारे में? दादा से कहिए कि ये यहां से चली जाए। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मैंने इससे पहले भी कहा था। क्यों आई है ये यहाँ? अरे सुना नहीं तुमने? पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मत कहो पापा, मुझे कोई हक नहीं है पापा कहने का। बस तुम
जाओ यहां से, जाओ। अरे तू क्यों रो रही है, है? हाय हाय, ये मगरमच्छ के आंसू क्यों दिखा रही है? अरे क्यों नाटक कर रही है? तेरी वजह से तो हम खून के आंसू पी रहे हैं। अगर जरा सी भी शर्म हो ना तो कहीं जाके डूब मर। अरे छुपा ले अपना ये मुंह। जिस दिन से मनुष हमारे घर पे आई है, हमारे मंदिर जैसे घर में खुशियों को नजर लग गई, लेकिन तेरी वजह से। परमेश्वरी कहीं चली जा और जाके अपना मुंह काला कर ले, जहां तुझे करना, हम नहीं आएंगे तुझे रोकने के लिए, जा। हमारे घर में तेरी वापसी के सारे दरवाजे मैं बंद कर चुकी हूँ। मुझसे नहीं जीत सकेगी तू। करण से तेरा तलाक तो मैं करा के रहूंगी। मैं जानता हूँ आप लोग काफी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्लान के मुताबिक काम तो स्लो चल रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए जरा। आप लोग जाकर काम कंप्लीट करिए, जाइए। क्या बात है चांदी, दीवान साहब की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिद्धांत, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, बोलो चांदी। मुझे तुम्हें उस आदमी के बारे में बताना है जिसने मेरी जिंदगी तबाह की, हम दोनों की जिंदगी। किसके बारे में बोल रही हो? वो शख्स कोई और नहीं, वरुण है। इंस्पेक्टर साहब आइए। हेलो, आइए। दरअसल हमें पूजा जी से मिलना है, निशा जी कत्ल के सिलसिले में। कहाँ है वो, जरा बुलाइए उन्हें। पूजा तो इस वक्त घर पे है नहीं, आप बताइए मैं क्या मदद करूँ आपकी। जी हमारी तफ्तीश के मुताबिक सारा शक कत्ल का वरुण पर जाता है। What are you saying, इंस्पेक्टर साहब? आपके कहने का मतलब यह है कि निशा का मर्डर वरुण ने किया? जी हाँ, शक ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हमें यकीन होता जा रहा है कि निशा का कत्ल वरुण ने किया है। You should be very careful of him. बहुत dangerous है वो। सिद्धांत, बुआ जी ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ चली आई तुम्हारे पास। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। फिक्र मत करो चांदनी। अच्छा क्या कि तुम सीधे मेरे पास चले आई यहाँ? मैं सोच भी नहीं सकता कि वरुण इतना नीच और घटिया इंसान है, और वरुण वही शख्स है जिसने, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया चांदनी? आई नो सिद्धांत, I'm sorry. एक मिनट बो। हेलो, हेलो सर, मैं वरुण बोल रहा हूँ। बोलो करण। या सर, मुझे वो सबूत मिल गया है, मैं उसे लेकर आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। ओके सर, ठीक है, घंटे में मैं सबूत लेकर आपके पास पहुंचता हूं। बाय बाय सर। हेलो इंस्पेक्टर, आहूजा बोल रहे? हाँ करण दीवान है।
अभी अभी वरुण का फोन आया था, वो घंटे भर में यहां पर आ रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, ठीक है। भैया ये सब क्या हो रहा है? सब रखो, घंटे भर में इंस्पेक्टर ऊर्जा और वरुण दोनों यहां पर आ रहे हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। वरुण नहीं आया? आता ही होगा, मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है उस पर। मुझे लगता नहीं है कि वो आएगा, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया है। पेशेंस इंस्पेक्टर साहब, पेशेंस, बस कुछ ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। करण साहब, नमस्ते। मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर शहर से बाहर नहीं जाओगे। मैं मजबूर था इंस्पेक्टर साहब, अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल करने के लिए बिना आपकी इजाजत मुझे शहर के बाहर जाना पड़ा। मगर मेरा वापस लौट कर आना इस बात का सबूत है कि मैं बेकसूर हूँ। मुझ पर लगाए हुआ हर एक इल्जाम बेबुनियाद है। अगर मैं मुल्ज़िम होता तो मैं लौट कर वापस नहीं आता। मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है मिस्टर वरुण, तुम्हारी वापसी तुम्हें मेरी नजरों में बेगुनाह साबित नहीं करती। सबूत कहाँ है वरुण? मेरे पास जीता जागता सबूत है करण साहब। एक मिनट। लावर सिंह, यह है दिलावर सिंह जिसके ट्रक के नीचे करण साहब की पत्नी यानी के असली पूजा की मौत हुई थी। असली पूजा? करण की पत्नी की मौत? तो पूजा पूजा नहीं है? मुझे पहले से ही शक था। दिलावर सिंह, तुम मेरी पत्नी पूजा के बारे में क्या जानते हो? घबरा मत, सब कुछ साफ साफ बता दो। जिसे आप लोग पूजा समझ रहे थे वो दरअसल चांदनी है। भैया ये सब क्या हो रहा है? मैं आप लोगों को सब कुछ बाद में बताऊंगा, तुम बोलो। चांदनी ने मुझे रुपए दिए थे पूजा मैडम को ट्रक से उड़ाने के लिए। पूजा मैडम को उन्होंने इसलिए मरवाया ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे और किसी को ये शक ना हो कि ये एक हत्या है। दिलावर सिंह, डिटेल में बताओ मुझे सब कुछ। उस दिन जिस दिन चांदनी पूजा जी के साथ मंदिर गई थी तब पूजा जी यहां इस वक्त? सिद्धांत साहब, विक्रम, पूजा यहां ऑफिशियल वर्क पर आई है, कल सुबह घर वापस जाएगी। तुम गेस्ट हाउस तैयार करवा दो, वो यहीं रुकेगी आज। जी जी जी, ठीक है, मैं गेस्ट हाउस तैयार करवाता हूँ। विक्रम, किसी जरूरी काम से आए थे? किस काम से? अरे हाँ, वो क्या सर, एक्चुअली मैंने आज का काम कंप्लीट कर दिया है। और गुड नाइट। गुड नाइट, तुम जा सकते हो।
मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि विक्रम भी यहाँ होगा। रिलैक्स चांदनी, तुम टेंशन मत लो। विक्रम के जरिए अगर दीवान साहब को पता चल भी गया कि तुम यहाँ हो तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी उन लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे साथ हो। मैं यहाँ चली तो आई हूँ सिद्धांत, लेकिन मुझे मुन्ना की बहुत फिक्र हो रही है। मैं उसे जब भी छोड़कर आती हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है। उसे बहुत मिस करती हूँ मैं, मुन्ना भी मुझे बहुत मिस करता है। मेरे ना होने पर अगर वो रोना शुरू कर दे तो उसे कोई चुप नहीं करवा पाएगा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ चांदनी, लेकिन पूजा के किए गए वादे की खातिर मुन्ना के लिए जितना करना था वो तुम कर चुकी हो। तुम अपना फर्ज पूरी तरह से निभा चुकी हो चांदनी। इंस्पेक्टर साहब, निशा का कत्ल चांदनी ने ही किया था। और हाँ, ये सच है कि वो मेरे होटल के कमरे में आई थी 30 लाख रुपए लेकर, लेकिन वो पैसे मेरे लिए नहीं बल्कि इसलिए लाई थी ताकि सरस्वती बैंक के एक अकाउंट में मैं उसके लिए वो पैसे डिपॉजिट कर सकूं। ये बात मैंने करण साहब को भी बता दी थी और वो डिपॉजिट स्लिप भी दिखा दी थी। चांदनी बहुत शातिर लड़की है, उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत से प्यार है। उसने बहुत से लोगों का खून बहाया है और कई लोगों को धोखा भी दिया है। इसी मकसद से वो इस परिवार में आई थी ताकि वो यहाँ की दौलत उठ सके। इस काम के लिए उसने निशा जैसे मोहरों का इस्तेमाल किया है। अगर चांदनी मुजरिम है तो इन सब बातों और चांदनी से तुम्हारा क्या वास्ता? और तुम इतना सब कैसे जानते हो चांदनी के बारे में? मैं चांदनी की असलियत और फितरत से वाकिफ नहीं था। सच्चे दिल से उसे प्यार करता था, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। सिद्धांत मुझसे ज्यादा दौलतमंद है। सिद्धांत की खातिर उसकी दौलत हासिल करने के लिए उसने मुझे भी धोखा दे दिया। जब उसकी शादी सिद्धांत के साथ होने वाली थी तभी उसे पता चला कि उसकी विधवा दोस्त पूजा का ससुर बहुत रईस है। उसने दीवान साहब की दौलत लूटने का एक प्लान बनाया, सिद्धांत को भी धोखा दिया उसने। शादी के मंडप पर अकेला बैठा छोड़कर वो घर से भाग गई और पूजा के पास आकर रहने लग गई। कुछ दिन पूजा के पास रहने के बाद उसने पूजा का भी कत्ल करवा दिया। पूजा को दीवान साहब और ये सब कभी पहले मिले नहीं थे। इस बात का फायदा उठाकर वो यहाँ इस परिवार में दीवान साहब की विधवा बहू पूजा बनकर आ गई। लेकिन निशा का कत्ल क्यों हुआ? और फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था? मिस्टर वरुण की मरने से पहले निशा से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी? मुझे जवाब दो मिस्टर वरुण।